Hello students, I am your math teacher. Today we'll discuss about class 9 NCERT lesson lines and angle. This is part 37 video. In this video we'll discuss about exercise 6.3 question number 5. Okay, see the question. In the given figure, if PQ perpendicular to PS, ये यहाँ पर PQ perpendicular to PS है, मतलब ये जो angles बनेगा आपका ये 90 डिग्री का, बिकॉज PQ क्या है, परपेंडिकुलर है PS पर. देन PQ पैरेलल टू SR, यहाँ पर PQ क्या है, पैरेलल टू SR है. एंड एंगल SQR, एंगल SQR 28 डिग्री. एंड एंगल QRT, एंगल QRT 65 डिग्री. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, आपको ये X और ये Y फाइंड आउट करना है. ओके अब देखो किस तरह से फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू. सबसे पहले यहाँ पर देखो पी क्यू एंड एस आर, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है. ओके तो यहाँ पर देखो जब ये पी क्यू एंड पैरेलल, ये पी क्यू लाइन है और ये एस आर है. ओके और यहाँ पर ये जो क्यू आर है, ये यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल है. ओके तो यहाँ पर जो दो एंगल्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक्स एंड मतलब ये जो एंगल क्यू, ओके एंगल क्यू है, एंगल क्यू और ये एंगल आर. ओके ये क्या रहेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस पर कैसे रहते, इक्वल्स रहते. ओके तो एंगल क्यू की जगह कौन से आ रहे, दो एंगल्स आ रहे, एंगल क्यू की जगह यहाँ पर दो एंगल्स आ रहे और एंगल्स आर कितना है 65 और क्यू की जगह क्या आएगा एक्स प्लस 28 और हम दोनों हम मतलब हम यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर करके, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस पे आ रहे हैं. सो क्या होगा, वही लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू क्या है यहाँ पर एस आर है और यहाँ पर ट्रांसवर्सल कौन सी है इसकी, क्यू आर. और क्या है क्यू आर, क्या है यहाँ पर क्यू आर इज ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, यहाँ पर क्यू आर क्या है ट्रांसवर्सल है. ओके अब जब पी क्यू एंड एस आर पैरेलल है तो क्या होगा, ये एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे इक्वल, मतलब सॉरी ये एंगल्स इक्वल रहेंगे. रीजन क्या रहेगा, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन क्या रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर में कौन से आ रहे हैं, दो एंगल्स आ रहे हैं एक्स प्लस 28. हम यहाँ पर लिखते हैं PQR की जगह X प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू QRT, क्या है QRT 65 डिग्री है, 65 डिग्री. तो यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे, X इक्वल टू क्या होगा 65 डिग्री और ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा 28 डिग्री. सो कितना आ रहा है, ये X इक्वल टू 57. ओके कितना आया, X की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 37 आ रहा है. ओके एक्स की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 37 ये. ओके अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें 37 मिल गई है, अब यहाँ पर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके अब ये यहाँ पर देखो 37 डिग्री मिल गया है यहाँ पर. सब देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल्स देखो, यहाँ पर पी एस क्यू और पी क्यू एस, ये ट्राइंगल्स देखो, यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है तो अगर दो एंगल्स गिवन रहा तो हमें थर्ड एंगल्स बाय एंगल्स से प्रॉपर ट्रायंगल्स के हिसाब से ये थर्ड एंगल्स भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ट्रायंगल्स लेना होगा, कौन सा ट्रायंगल्स, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल्स. ओके सो वही ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल्स. नाउ क्या होगा, इन ट्रायंगल्स पी क्यू एस क्या होगा, बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्राइंगल्स, बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल पी क्यू एस, ये एंगल ऐड कर देना है पूरे एंगल्स, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू. ओके तीनों का मेजरमेंट कितना रहेगा,
180 डिग्री रहेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्रायंगल के हिसाब से। ओके तो PQS कितना है, PQS 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री हो जाएगा। SPQ कितना है, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। देन PSQ मतलब आपका Y है, ये Y फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सो ये कितना होगा, 90 प्लस 37 ये कितना होगा आपका 127 डिग्री हो जाएगा, प्लस Y इज इक्वल टू कितना होगा ये 180 डिग्री। नाउ इसको Y की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ पर Y इज इक्वल टू कितना होगा ये 180 डिग्री, इधर शिफ्ट होगा प्लस का माइनस 127 डिग्री। ओके सो Y इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 180 डिग्री, मतलब ये कितना आएगा 10 माइनस 7 3 देन 53 डिग्री, Y की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर 53 डिग्री। ओके सो इस तरह से यहाँ पर हमें देखो X और Y की दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है, X की वैल्यू कितना मिली है यहाँ पर 37 डिग्री और Y की वैल्यू कितना मिली है यहाँ पर 53 डिग्री। ओके सो बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।